नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.एन. राठौर, योगी पायलसेन, पंचकर्मा सेंटर, लखनऊ। आज हम एक ऐसी बीमारी में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत रेयर होती है, लेकिन होती है। सबसे पहले एक पेशेंट का फ़ोन आया, क्या डॉक्टर साहब, किसी फिस्चुला के पेशेंट को, एनल फिस्चुला के पेशेंट को फारनेर्स गैंग्रीन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर बहुत समय तक, क्योंकि क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन होता है और अधिक दिनों तक ये इन्फेक्शन बना रहता है तो क्या होता है, एक तो फिस्चुला डेवलप होता है, तो लैटिन रस्ते के आसपास किसी तरह की फोड़ा, इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी, और अधिक दिनों तक अगर आप इसको अवॉइड करते रहते हो तो आपको वहाँ पे फारनर्स गैंग्रीन जो है उसके होने के चांसेस रहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टेपलो ई कोलाई होता है, स्टेपलोकोकस होता है, स्टेप्टोकोकस होता है, तीन चार तरह बैक्टीरियों का समूह होता है, और अचानक उस जगह के आसपास रेडनेस बढ़ेगी, वहाँ पर सूजन बढ़ेगी, फीवर आपका 100.4 या 100.5 के आसपास रहेगा, शरीर में वीकनेस बढ़ेगी, तो ये अचानक चीज़ें डेवलप होती हैं। और अगर ये बस्ट हो गया, इतनी स्मेल होगी तो आपको लगेगा कि मैं कैसे जी पाऊंगा उस स्मेल के साथ, बहुत अधिक स्मेल होती है इस तरह के इन्फेक्शन में, और ये इतना तेज़ इन्फेक्शन फैलता है कि जितने भी टिश्यूज आसपास के होते हैं, या वहाँ के स्फिंक्टर्स होते हैं, या मसल्स होते हैं, या जितनी भी सेल्स होती हैं, वो अचानक डैमेज होना स्टार्ट होती है, विद इन 2 डेज काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के वहाँ एडमिशन लेना है, क्योंकि इन्फेक्शन को तुरंत रोकना होता है। और होता क्या है, इसमें कारण क्या होता है, कोई भी पेशेंट जो है लगातार डायबिटिक है और वो केयर नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा वो धूम्रपान या एल्कोहल का सेवन करता है, इस तरह के पेशेंट में इस फारनियर गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कृपया फिस्चुला को अवॉइड न करें, फिस्चुला की ये वर्स कंडीशन है और इसमें जान का भी खतरा बना रहता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन अगर आपको होता है, स्वेलिंग पस अचानक कुछ वहाँ लगने लगता है कि बहुत कुछ डैमेज हो रहा है, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ फैल रही है, उसको तुरंत रोकना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेते रहने चाहिए वक्त वक्त पर। ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है, आप इसमें किसी तरह का ट्रायल नहीं सकते, मैं छार सूत्रा करा लूँ, मैं करूँ, तुरंत आपको किसी भी हायर सेंटर पर जा करके एडमिट होना है। वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, उसकी जितने बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को रोकना है, जब उन सर्जरी तो बात का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले वहाँ डैमेज रुके। सर्जरी किससे करानी, क्या करानी, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन सबसे पहले इन्फेक्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी लगभग 15 दिन पहले मेरे पास इसी तरह का पेशेंट एक बहराइच से आया, तो मुझे समझ नहीं आया कि फिस्टुला राइट साइड में, राइट ग्लूटियल रीजन में है, और लेफ्ट रीजन में पूरा डैमेज हुआ, और इतना अधिक डैमेज हुआ उसके बाद स्क्रोटम पे भी जा करके वो बस्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मुझे छारसूत्रा इस तरह की कोई चीज़ नहीं ट्राई करनी है, सीधे सीधे रिफर टू हायर सेंटर, और सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका ज़रूरी है, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस पेशेंट को रिफ़र कर दिया तुरंत हायर सेंटर पे, बिना 1 मिनट लेट किए।